तो ये मेरे रूम का वाइट बैकग्राउंड जो कि आप देख सकते हो कि प्योर वाइट है, बट स्टिल हमको क्रोमा के लिए इसको ग्रीन कलर में यूज़ कर रहे हैं ताकि वी कैन प्ले अराउंड अलॉट। अब यहाँ पे आप पैचेस देख सकते हो। अभी क्या किया ना इसके अंदर मैंने, ये मेरे पास एक अमेजोन से ऑर्डर किया था ये क्रोमा की का ये मैट है, ये क्लॉथ कह लो इसको या जो भी है, और इसको मैं जब भी हैंग करता हूँ ना तो टेप वगैरह यूज़ करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या क्या हालत हो जाती है दीवार की, समझ रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम है इसकी। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि यार इसके अंदर ना सम हाउ जब भी मैं इसको लगाता हूँ ना तो रिंकल्स बहुत आते हैं इसमें। आप कुछ सैम्पल फुटेजेस आप चेक कर लो, इसके सैम्पल फुटेजेस मैं आपको अभी इसमें वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, फिर मैंने ट्राई किया सबसे पहले ये वाला कपड़ा, ये कपड़े से भी काफ़ी अच्छा आउटपुट आता था, और इसके भी सैम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि बार बार इसको हैंग करो सेट करो। फिर मैंने ये वाला ऑर्डर किया था अमेजोन से, फिर इसको यूज़ किया। अभी मैं ट्राई करूँगा एक पेंट कर के, अब मैं इस वॉल पे पूरा परमानेंट पेंट ही कर दूँगा, और मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ज्वेल्स का पैरेट ग्रीन, ठीक है। तो ये अभी मैं पेंट लेके आया हूँ, एक बार इस पेंट को हम इस वॉल पे पूरा करेंगे, और इसके लिए मैं रोलर लेके आया हूँ ताकि वो इवनली हम इस वॉल पे कर पाएँ। मेरे को लगता है कि यार ये पेंट काम कर जाएगा, क्योंकि देखो जो क्रोमा के जो ओरिजिनल पेंट्स अगर आपको यूज़ करने फिल्म का, इट कॉस्ट अराउंड 17,000, और ये मेरे को करीब 350 रुपये में मिल गया, 350 रुपीज़ में। तो देखते हैं यार अपने को कौन सा नेटफ्लिक्स का कंटेंट बनाना है, अभी जब बनाना होगा तब 17,000 वाला भी ले लेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं पेंटिंग वर्क। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हमारा पेंट वर्क हो चुका है पूरा कंप्लीट, और आप देख सकते हो कितना बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर ये पेंट हुआ है। ये मेरी वॉल और ये पूरा नीचे तक, अरे पेंट भी काफ़ी अच्छा है देखो, इसमें इसमें ना बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, और लाइट को भी ना बहुत सही से ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यार ये देखने में तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहा है। अब आप ये देख लो, ये ग्रीन पर्दे मैं पहले यूज़ कर रहा था, और एक ये वाला, और अभी हमारे पास ये ग्रीन है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ इवनली पेंटेड, सब जगह पे पूरे वॉल पे अच्छे से पेंट हो गया। अभी आप पूरा लॉन्ग शॉट लो, क्लोजअप लो, जो लेना है वो लो परफेक्टली, और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखो रूम के अंदर भी मतलब एक लुक आ रहा है ना इससे। अगर आप क्रोमा भी शूट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप इसको वैसे भी अपने रूम को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। चलो अब इसके कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लेके चलते हैं OBS स्टूडियो में, और फिर देखते हैं कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग कैसी होगी इसके साथ में, ठीक है। ओके, तो ये जो अभी आप क्वालिटी देख रहे हो ना, ये डायरेक्टली OBS से कैप्चर हो रही है, और अभी हम देखते हैं सारे सेटिंग्स OBS के कि कैसे ये क्रोमा से जो ग्रीन वॉल है इसको हम कैसे रिमूव करके और बैकग्राउंड दूसरा यूज करेंगे, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग है, इन अ फर्स्ट लुक यू कैन सी द क्वालिटी, जो भी क्वालिटी अभी आप देख रहे हो ना, ये क्वालिटी आ रही है मेरे वेबकैम से, जो है Logitech C922 Pro, और आई मीन द ग्रीन अगर आप पीछे देखो ना तो काफ़ी मतलब क्लीन आया है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस सीरियसली। इवन ये कपड़ा भी लगा के रखा है मैंने यहाँ पे, और उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इसके नीचे ना ये मेरा बेड है, क्या है ना कि कभी कभी रात में लेट नाइट काम करते करते सो जाते हैं यार यहीं पे, ठीक है। ओके चलो, तो कुछ सेटिंग देख लेते हैं कि कैसा रिमूवल होता है इसमें। ओके सो पहले मैं अपना सीन को स्विच कर लेता हूँ, एंड हियर आई एम। ओके तो
अभी मैं चलता हूँ सबसे पहले अपना क्रोमा की सेटिंग्स में। तो सबसे पहले जो वेबकैम का जो आउटपुट आ रहा है जो है लॉजिटेक C922, इसके फिल्टर्स में जाएंगे और इसके फिल्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे एक क्रोमा की। ओके, लेट्स ऐड क्रोमा की एंड हिट ओके एंड इमीडिएटली यू विल सी वेरी फाइन क्रोमा। आपको और कुछ किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। तो स्ट्रीमिंग के लिए जाना है तो एकदम ओके। अभी अगर पूरा वेबकैम मोड पे अगर जाके देखूं तो ये देखो कितना बढ़िया बैकग्राउंड आ गया पीछे, और मतलब लाइफ कितनी इजी हो गई है। ओके, और अगर मैं इस इमेज को ऑफ करता हूँ तो ये आप देख सकते हो दिस इज द मैट ओनली। तो काफी अच्छे से आप देख सकते हो बैकग्राउंड कितना बढ़िया से रिमूव हुआ है ना। और इमेज को ऑन करके तो फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गुड, सो इट्स वर्थ यार, है ना। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको, ये कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, है ना। और आप अपने सेटअप के बारे में भी मेरे को बताना कि कैसा आप क्या सेटअप यूज़ कर रहे हो। तो एक बार फिर से मैं इसमें अपना ग्रीन स्क्रीन दिखा देता हूँ, क्रोमा ऑफ। सो दिस इज विदाउट क्रोमा की ग्रीन वॉल एंड दिस इज यू कैन चेंज द इमेज। तो शूट की क्वालिटी और भी बेटर है इसमें, क्योंकि ये तो वेबकैम से लाइव आ रहा है तो स्ट्रीमिंग वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, है ना। तो ये रहा आपका OBS। हाय दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज VFX पाइपलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये पेंट एंड ये क्रोमा की सेटअप। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में।